हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग दो फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का। ओके, फर्स्ट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और सेकंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी दे बनाएंगे ताकि आपका पूरा डॉट्स क्लियर हो सके। क्लियर? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक पे हम लोग आते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या यू कहें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अगर हम एक्सपेंड करेंगे या तो यू कहें इसका अगर फार्मूला कहें तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 और a के जगह पे जो फर्स्ट नंबर है वो, और b के जगह पे जो सेकंड नंबर है वो, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि सेकंड नंबर का स्क्वायर। क्या मैंने बोला? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे ये जो ab है वो तीनों मल्टीप्लाई में है। क्लियर? और अगर आप इससे थोड़ा अरेंज करके लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab। क्लियर? तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, 1 प्लस 2x। क्लियर? किसका होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है, 1 प्लस 2x का। तो यहाँ पे जो a है वो 1 है और यहाँ पे जो b है वो 2x है। क्लियर? तो जब हमें एक्सपेंड करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा, हमें फार्मूला क्या होता है, 1 का स्क्वायर a का स्क्वायर, इट मीन्स 1 का स्क्वायर। क्लियर? 2ab 2 इंटू 1 इंटू 2x। क्लियर? और प्लस bx का स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा आपका, और ये देखिए 2 इंटू 1 2 और 2 टू ज़ा 4 यानी कि 4x हो गया, और ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, अगर थोड़ा अरेंज करके लिखे इसे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 प्लस 3b का होल स्क्वायर। हमारा a के जगह पे 2 है और हमारा b के जगह पे 3b है। क्लियर? तो देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3b और प्लस b का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा, 3b का स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 4, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12b, और प्लस 3b का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 9b का स्क्वायर। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर आपने समझ गया, अब हम लोग देखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर? तो हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, सिंपल, जिस तरह से a प्लस b का होता है उसी तरह a माइनस b का होता है। तो a प्लस b का था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। क्लियर? माइनस यहाँ पर रहेगा, बस a प्लस b और a माइनस b में यहीं पर आपका डिफरेंस है, बाकी सारा इक्वल है। क्लियर? तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए अब इससे रिलेटेड एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं ताकि आपका डॉट्स क्लियर हो सके। तो मान लीजिए कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, 1 माइनस 2a। क्लियर? का होल स्क्वायर, तो देखिए 1 जो है वो a के जगह पे है और जो 2a है वो हमारा b के जगह पे है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो देखिए a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 और b के जगह पे क्या आपके पास, 2a। क्लियर? और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 2 टू जा 4 और a, और ये हो जाएगा आपका 2a का स्क्वायर यानी कि 2 टू जा 4 और a इंटू a यानी कि a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a का स्क्वायर। अगर थोड़ा इसे हम लोग अरेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड एक्सपेंशन ऑफ a माइनस 2a का होल स्क्वायर। होप आप समझ गए होंगे दोनों फार्मूला को। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएं। क्लियर? तो क्वेश्चन हमारे पास है 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर। मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसका एक्सपेंशन क्या होगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।